स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। दोस्तों आपको पता है कि इंडियन आर्मी रैली भर्ती जितनी भी है पोस्टपोन हो चुकी है अगस्त से लेकर मई तक। तो आज एक बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी जिस भर्ती की लोग बच्चों को जिन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की थी उसकी उसका जो नोटिफिकेशन भी आर्मी जो ARO में लग चुका है और उसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि इंडियन आर्मी जो अभी एज है जो अभी कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई भर्ती उसमें दोबारा से इसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। बताएंगे कि इसकी जो पूरी PDF है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और जो भी आने वाले बच्चे जितने भी इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं 25 अप्रैल को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल एक बैच PDF टेलीग्राम पे डाल दिया, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके उसे डाउनलोड कर सकते हो फ्री में बिल्कुल। तो दोस्तों बताएंगे कि इंडियन आर्मी रैली भर्ती में आपको और कितनी छूट मिलेगी और कितना समय मिलेगा यहाँ पे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले बात करेंगे हम आर्मी की जो अपना एज वाइज है, तो बता दें कि ये जो भर्ती थी जहाँ पे आप देख सकते हो कि एज एज में पहले आपको छूट दे रहे थे कि 1 अक्टूबर 2000 से लेके अपना जो छूट मिली थी 2004 अप्रैल तक आप भर्ती देख सकते हैं सोल्जर GD वाले में। तो दोस्तों अभी जो अगली डेट निकल कर सामने आएगी वो आपको इसी डेट से ही छूट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि अभी आने वाले समय में आप ओवरेज हो जाओगे। तो ये क्लियर है बिल्कुल, जो इंडियन आर्मी वेबसाइट पे भी है वहाँ पे भी बता दिया गया कि हर भर्ती जो भी अभी पोस्टपोन हो रही है आपको वहीं से ही जो 1 अक्टूबर से वहीं से अप्लाई करना होगा, वहीं से आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। तो आप घबराइए मत, पैनिक मत होइए, जो भी बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर इंडियन आर्मी से सहायता मिलेगी, इंडियन आर्मी से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको सारी सुविधा मिलेगी इंडियन आर्मी से। तो उसके बाद बताएंगे, बात करेंगे ये जो रोहतक भर्ती है यहाँ पे ये होनी थी, ये देख सकते हो 3 मई से लेके 20 मई तक होनी थी राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रोहतक हरियाणा में, जो कि 4 मार्च से लेके 17 मार्च के बीच बीच जो फॉर्म अप्लाई किए जाने थे जिन बच्चों ने भी कर चुके हैं और ये 18 अप्रैल से होने वाली थी भर्ती। तो दोस्तों बता दें कि ये भर्ती बिल्कुल पोस्टपोन हो गई है, हम आपको दिखाएंगे कि इसमें कौन सा लेटर आया जो ये भर्ती पोस्टपोन है। ये देख सकते हो आप यहाँ पे सूचना दी गई कि सभी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि रोहतक की जो भर्ती 3 मई 2021 से लेकर 2020 में होनी थी वो बिल्कुल COVID-19 की वजह से स्थगित कर दी गई है, भर्ती की नई तारीख जो परिवर्तन करने के बाद बताई जाएगी जिसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दी जाएगी। भर्ती की रैली इस भर्ती में रैली जिन्होंने पंजीकरण किया था अंतिम 17 अप्रैल थी। वर्तमान वर्ष में की भर्ती रैली में सोल्जर जनरल ड्यूटी और क्लर्क SKT श्रेणी के लिए पंजीकरण फिर से नहीं खुलेगा। तो बता दें कि यहाँ पे उन्होंने क्लियर बता दिया कि जो पंजीकरण जिन्होंने किया हुआ है वो फिर से नहीं खुलेगा, जो उनको एज कैटेगरिया दिया हुआ है उसी पे ही उसी के बेस पर ये भर्ती देखेंगे। तो दोस्तों बता दें कि बिल्कुल पैनिक मत हुई, जो भी COVID-19 की वजह से ये भर्ती पोस्टपोन हो रही है ये आपको वहीं से ही शुरू होगी, वहीं से एज में सुविधा मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, इसकी पूरी PDF हमारे आप टेलीग्राम पे भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक हमने नीचे दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक।